हेलो गाइस, फाइनली मैं आपके लेके आया हूँ एक वीडियो एडिटिंग का कोर्स डाविंची रिजॉल्व 18 पर। सो गाइस, मेरे चैनल पर वीडियो एडिटिंग का कोर्स नहीं था। काफी सारे लोगों ने बोला था कि सर वीडियो एडिटिंग का कोर्स आप लेकर आइए डाविंची रिजॉल्व पर। तो मैं ये जो कोर्स है ये है बिगिनर लोगों के लिए। पहले मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को डाविंची के बारे में कुछ नहीं पता उन लोगों के ऊपर ये कोर्स है। बाकी कलर ग्रेडिंग पे और फ्यूजन टैब पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ पूरा कोर्स बेसिक से लेके एंड तक। तो वो दोनों टैबों के बारे में आप जाके सीख लेना। ये जो कोर्स है ये है सिर्फ एडिट पेज के ऊपर कि आपको वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है। बिगनर जो लोग हैं उनके लिए वीडियो है। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हैरी पॉटर को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर रहे तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहां जाइए हैरी पॉटर को इंस्टाग्राम फॉलो कर दीजिए। सो गाइस, इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इस कोर्स में होंगी टोटल 9 वीडियो। इस वाली वीडियो को मिला के होंगी 10 वीडियो, पर कोर्स में जो सीखने वाले हो आप वो है 9 वीडियो। तो 9 वीडियो में आपको एक प्रॉपर वीडियो एडिटिंग करना आ जाएगी 110%। बाकी कलर टैब और फ्यूजन टैब के बारे में अगर सीखना है तो जाके मेरी दोनों सीरीज जो है, मतलब कि जो कोर्स है दोनों, वो जाके देखिए, कार्ड में आपको लिंक मिल जाएंगे। और मीडिया टैब, फेयरलाइट पेज, मतलब जो ऑडियो के पेज हैं, इन सब पे मैं अलग अलग एक वीडियो और बनाऊंगा, कोर्स और बनाऊंगा अलग अलग टाइप का, ताकि आपको पूरा डाविंची सीखना आ जाए। तो इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं ये हम जानते हैं। इस कोर्स में आपको बताऊंगा कि आप डाविंची रिजॉल्व 18 है उसको डाउनलोड कैसे करोगे। बेसिकली कुछ लोगों को पता नहीं है डाउनलोड कैसे करना है, तो आपको डाउनलोड कैसे करना है वो पता चलेगा। उसके बाद वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटरफेस को किस तरीके से यूज करना है। उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो इंटरफेस है उसमें कुछ सेटिंग है जो वीडियो डालने के बाद आती हैं, वो सब चीज़ें हम सीखेंगे। इंस्पेक्टर टैब, इफेक्ट टैब, न्यू कंपाउंड क्लिप, स्टेबलाइज कैसे करना है फुटेज को, और आपको रीड टाइम कंट्रोल किस तरीके से करना है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। और लास्ट में जो वीडियो होगी मेरी 9 वीडियो जो इस कोर्स में आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा जो भी मैं आपको सिखा चुका हूँ अब तक इस कोर्स में, जो मेरी वीडियोज में जो सिखा चुका हूँ, 9वीं जो वीडियो होगी उसमें आपको बताऊंगा कि पूरा वीडियो एडिटिंग किस तरह से करना है। आपको मैं एक वीडियो एडिट करके भी दिखाऊंगा अपनी 9 वीडियो में कि जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है उसमें आपने क्या क्या चीज़ सीखी है। सो गाइस, एक चीज़ और है, इस कोर्स को जो बंदा फॉलो करेगा, फॉलो करने के बाद आप मुझे नीचे आपको लिंक मिलेगा मेरी मेल का। आप चाहो तो मुझे अपना टीजर, एक मतलब 30 सेकंड का टीजर आपका होना चाहिए। आप 30 सेकंड का टीजर मुझे बना के मुझे मेल कर सकते हो। और जो बंदे अच्छा एडिट करेंगे उनमें से मैं किसी 3 आर्टिस्ट को अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा और उनको मैं एक पर्सनली क्लास दूंगा अपनी तरफ से। जो भी उनके क्वेश्चन है, डाउट्स है, मैं उनको अपनी तरफ से बताऊंगा। सो जो ये सीरीज है, कोर्स अपलोड होने के 3 महीने तक ये जो सीरीज है ये वैलिड रहेगी बेसिकली। सो 3 महीने के बीच में अगर आपने मुझे अपना टीजर जो है मुझे मेल करना है, अपना पूरा डिटेल लिख के, पूरा 30 सेकंड का टीजर है, याद रखना 30 सेकंड का टीजर आपको मुझे मेल करना है। सो जिसका टीजर बेस्ट होगा मैं उसका टीजर देखूंगा और मैं इस पर एक वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा कि जो टीजर लोग मुझे देंगे उसमें वीडियो बनाऊंगा। और मेक श्योर एक चीज याद रखना, कॉपीराइट फ्री वाला म्यूजिक आप ले लेना गाइस, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मुझे देना ताकि मैं यूट्यूब पे जब उसको प्ले करूं हर बंदे का टीजर दिखाऊं कि उन्होंने क्या गलतियां करी हैं, क्या उन्होंने सीखा है मुझसे, तो वो उनको पता चले। और जो बेस्ट 3 बंदे होंगे उनको मैं अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा और उनको मैं प्रॉपर तरीके से उनसे मीट करूंगा ताकि उनको समझ में आए कि कोई डाउट हो उनको, कोई चीज़ हो तो मुझसे वो पूछ सकते हैं बेसिकली। ये था पूरा सीरीज जो इसमें होने वाली है। सो थोड़े दिन बाद इस पूरी सीरीज की वीडियो जो होंगी वो मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएंगी। तो मेक श्योर गाइस, ऑल द बेस्ट आपके लिए कि आप बहुत अच्छे से वीडियो एडिटिंग सीखें, बिल्कुल बेसिक कोर्स है। और मेक श्योर अपनी वीडियो जरूर भेजना एडिट करके जो भी मैंने आपको सिखाया उन सब चीज़ों से। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना गाइस, कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। जो भी चीज़ पूछनी है आप पूछ सकते हो। सो मिलते हैं अपनी कोर्स में।